नमामी गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी मांगने, धमकाने और आपराधिक साजिश के मामले में एडीजे चतुर्थ विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उसके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर 1.5 लाख रूपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में अभियुक्तगण द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी। इसके साथ ही अदालत के आदेश से दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया। इसके साथ ही ये भी तय हो गया कि अब धनंजय सिंह लोकसभा और विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में ये सिद्ध हुआ है कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा को उसके कार्यक्षेत्र से जबरन अपने घर बुलवाकर पिस्तौल दिखाकर उसे व उसकी कंपनी के लोगों को डराया व धमकाया गया। उन पर ये दबाव डाला गया कि नमामि गंगे परियोजना में मात्र और मात्र अभियुक्तगण का ही मिट्टी व बालू प्रयोग किया जाए, अन्यथा की स्थिति में वादी व उसकी कंपनी के लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। मगर मामले को देखने से ये स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा समर्थ व सक्षम होने के बावजूद भी वादी को घटना के समय व उसके पश्चात किसी तरह की कोई भी शारीरिक हानि नहीं पहुंचाई गई। अभियुक्त धनंजय सिंह जनप्रतिनिधि भी है और दूसरा अभियुक्त संतोष विक्रम सिंह उसका सहयोगी है। अभियुक्तगण के खिलाफ दर्ज अधिकांश मुकदमे दोषमुक्ति, उन्मोचन, फाइनल रिपोर्ट या सरकार द्वारा वापस लिए जाने के आधार पर समाप्त हो चुके हैं। इस न्यायालय के समक्ष भी बुलाए जाने पर अभियुक्तगण ट्रायल के दौरान हाजिर होते रहे हैं। अदालत ने कहा कि अभियुक्तगण को अपहरण, रंगदारी मांगने, अपमानित करने, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत दोष सिद्ध किया गया है। मामले को देखने से निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा को अपने साथ जबरन ऐसे ले जाया गया था कि वो हत्या होने के खतरे में पड़ गया था। मगर वादी को मामले में किसी तरह की कोई भी शारीरिक चोट नहीं आई है। अभियुक्त धनंजय प्रतिनिधि है, विधि का ये नियम है कि अपराधी को अपराध के अनुपात के अनुसार दंडित किया जाए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अपहरण के मामले में धारा 364 के तहत 50,000 व रंगदारी के मामले में धारा 386 के तहत 25,000 का अर्थदंड लगा है। धनंजय ने कहा कि नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक समर्थकों की भारी भीड़ रही। धनंजय भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। धनंजय सिंह के ऊपर आज 364 में 7 साल की सजा, 50,000 का जुर्माना, 386 में 5 साल की सजा, 25,000 जुर्माना और 504 में 1 साल की सजा और इसमें है 10,000 रुपया जुर्माना, 506 में 2 साल की सजा, 15,000 जुर्माना और 120 बी में 7 साल की सजा, 50,000 जुर्माना। कुल 7 साल की सजा है, 1.5 लाख रुपया जुर्माना लगाया गया है माननीय न्यायालय द्वारा। वादी का जो है एक बार एफिडेविट दिया, फिर उसका 164 हुआ, उसका बयान हुआ, तीसरी बार जो है उसका टेस्ट लिया गया, वो उसकी फुटेज वगैरह का कोर्ट में 3 बार आया। वो अपने तथ्य से कुछ जो है आंशिक रूप से कुछ बातें उसमें आ गई, इसको माननीय न्यायालय ने आधार बना के सजा पारित किया।